बहुत ज्यादा लोग आए थे। पहले ही बोला, ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर है। क्या हुआ? ये मेरे लहंगे का लट। वाह, बहुत दर्द हो रहा है। डब्बे मंगाए। वो आगे साथ आना। 11 बजे आए हम दोनों। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। कल इतनी ज्यादा थकान हो गई थी, इतनी ज्यादा थकान हो गई थी कि मैंने फेस भी नहीं धोया अपना, और सिंदूर पूरा फैल गया है। और मेरा जो सिंदूर है वो लगाते हुए नाक तक आया था। मेरे लोगों ने सबने बोला कि बहुत लकी होता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई। और मम्मी भी उठ चुकी है, बहुत थके हुए हैं सब लोग, चाय पीने के लिए बैठे हैं। ओहो, मेरी भी चाय काफी देर से रखी है, मैं भी चाय पी लेती हूँ। अब जितने मेहमान बचे हैं ना, उन सबका ब्रेकफास्ट बन रहा है, क्योंकि सब लोग भूखे होंगे। रात को खाने में थोड़ी कमी पड़ गई क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आए थे। तो अभी मैं अंदर आ रही थी, मेरी चाय गिर गई मेरे हाथ से, और हाथ पे भी लग गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे सारे KFC खा रहे हैं, क्योंकि रात को ना हमारी शादी में बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, बहुत ज्यादा। तो किसी को भी खाना नहीं मिला, आधे लोगों को खाना मिला है। तो जिनको खाना नहीं मिला जो आए थे, उनको दिल से सॉरी, पर आपका वेलकम हमने बहुत अच्छे से किया था, वो अच्छा लगा होगा। असल में क्या होता है ना, देखो हमें पता ही नहीं था दो लोग आएंगे या चार आएंगे। चलो हम खाना ज्यादा बनवा भी देते, वो बच जाता तो वो भी खराब होता। तो कितना भी कर लो, कम ज्यादा चीजें रह जाती। तो ये हमने पहले ही बोला था, इनवाइट देने से पहले ही बोला था कि खाने का ऊपर नीचे पड़ सकता है, पर वेलकम में कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ नया नवेला दुल्हा कहीं जा रहा है घूमने, मैंने बोला मैं भी चलती हूँ। कह रहे नहीं नहीं नहीं, नई नवेली दुल्हन नहीं जाएगी। और भी मेरे घर में चीकू दिस पारस ठगा, तो ये छोटा काका है मेरा, तो हम जा रहे हैं नहाने इधर ही पास में। ठीक है, छोटे काके को नहलाने जा रहे हो? आशी भी नहाने जाते थे नहर पे। छोटे काके को नहलाने जा रहे हो, बचपन की याद है? ठीक है, जाओ फिर। तो गाइस, शादी के जो गिफ्ट है ना वो खोले जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट आए हैं। मैं सारे गिफ्ट आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले ये बहुत ही प्यारा फोटो फ्रेम है, जिसमें हमारी हल्दी की फोटो है। ये दी है मिसेस छत्री नागर ने, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनवाई है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है ये फ्रेम बनवाने के लिए, और इसमें लेटेस्ट फोटो है हल्दी वाली। अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला गिफ्ट, और इसमें बताती हूँ क्या है। तो सपना दीदी को एक बड़ा सुंदर सा फ्रेम मिला है, दीदी और तन्नू की फोटो है, और इस पे लाइट भी जलती है। दीदी अच्छा लगा ना? तो हमारी शादी में दीदी को मिला गिफ्ट, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम है। और ये हमारी लेटेस्ट फोटो है जो हम दोनों ने साथ कराई थी जब हम जागरण में गए थे, बहुत ही प्यारी है। सिद्धार्थ रियल फोटोज में, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। और ये जो गिफ्ट आया है, ये आया है दीक्षा मेकओवर्स की तरफ से, दीक्षा ने भेजा। भारी गिफ्ट है, पता है कल क्या हुआ? पायल और चीपू के पापा फेरे ले रहे, और दीक्षा ने मुझे बोला कृतिका ये लो गिफ्ट, वो पकड़ के देखे उसने तो दब भी जाएगी। ये तो इसको रहने दे, इसका जितना वेट है उतना उतना इस डब्बे में वेट होगा। ये है पायल डिनर सेट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी तो खोला भी नहीं, ऊपर से दिख रहा है अच्छा। अब गोलू एक और गिफ्ट खोलने वाली है। इस पे लिखा है आई एम फ्रॉम लुधियाना, पूनम की तरफ से है, लुधियाना से आए थे वो। तो ये बहुत ही सुंदर बाउल सेट है, जैसे बाउल जिसमें दलिया या फिर कुछ भी खा सकते हैं, डेजर्ट डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये वाला जो गिफ्ट है ये कुरुक्षेत्र से आया है, निशु की तरफ से, फ्रॉम कुरुक्षेत्र। तो बहुत ही प्यारा ये क्या बोलते हैं इसको, शोपीस दिया है, जिसमें मैं और चीकू के पापा स्कूटर पे बैठे हैं, छतरी पकड़ी है, धूप ना लग जाए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया है लस्टर बाय गुंजन ने, बहुत ही सुंदर है। बस मैं इसकी अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो इसमें बहुत प्यारी चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स के साथ साथ एक कुर्ती ये है, एक कुर्ती ये है, मेरे लिए और पार्क के लिए, दोनों के लिए। तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट लगा गुंजन। शादी के बाद ये होती है घर की हालत, हर जगह लहंगे लहंगे, गिफ्ट से गिफ्ट। अब घर को समेटने में क्या हुआ? नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी खाना खा के जाओ आंटी, खाना खा के जाओ। मिठाई मंगवाई, मिठाई लेके जाओ, शादी वाले घर से मिठाई लेके जाओ प्लीज, 5-10 मिनट रुक जाओ, बैठो आंटी। तो स्नेहा का दिल कर रहा है, जो गोलू ने ड्रेस पहना था उसमें शूट करने का, तो आज हम तीनों शूट करने वाले हैं घर पे ही। और हमारा मेकअप करने वाला है मेकअप बॉय दीपक। बाहर में ये पहनूंगी, तू ये पहन ले आज, तू ये पहन ले, मेरे पास एक और, साइड होना साइड होना, मेरे पास एक और पड़ा है, मैं ये पहन लूंगी। वाह, ये इसकी ग्रेस ना, इसकी ग्रेस मेरे सबसे प्यारी ग्रेस है। यहाँ मेरी मम्मी जा रही है वापस घर, और ये बिना मिठाई के डब्बे के घर जा रही थी, तो मैंने भैया को फटाफट भेजा है, डब्बा लेके आओ, डब्बा दे के भेजूंगी, मिठाई दे के ही भेजेंगे हम। तो ये तीनों लहंगे जो है अभी पैक हो रहे हैं चद्दर में,
लेकिन इसका भी हम शाम को खोलेंगे। मैं ये सारे कपड़े जो ड्रैकिंग वाले पन्नी में डाल दे, मैं हमारे कपड़े तो पता चल जाएगा। तो ड्रैकिंग वाले को मैं बुला लेती हूँ, तू डाल ले। अरे यार चीकू के पापा का पजामा पड़ा है और ये ऊपर की शेरवानी, इसके अंदर का है। खाना खा ले तू भी, मन नहीं है खाना खाने का। क्यों? मिठाई खाएगी? मिठाई खाऊंगी मैं तेरी खुशी की। मिठाई आ रही है छोटी सी। बेटा आप भी खा लो कुछ चीकू। मम्मा ऊपर चला जाऊं? नहीं ऊपर नहीं जाना। ये है फेमस शिवानी कुमारी जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत फैली हुई है, बुखार की तरह फैली हुई है और सब लोग इसे जानते हैं, मेरी पब्लिक पूरी इसे जानती है। जो नहीं जानता है इसे जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये मेरे लहंगे का लट्टू कल टूट गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको मैं अपने पास ही रखूंगी, अपनी चुन्नी में लगाऊंगी। यार ये तो फेरों का सामान था, ये तो हुआ यूज नहीं हुआ। गलत फुलिया फुलिया कर रहे थे ना, ये री फुलिया विदाई की। एक काम करते हैं आज विदाई कर लेते हैं। विदाई नहीं हुई ना कल सही से? नहीं विदाई कर लेते हैं। काम कर रील्स बना लेते, सारे शौक पूरे कर लेते जो रह गए कल। ठीक है आज हम विदाई करेंगे, कंगना खोलने की रस्म करेंगे, अंगूठी ढूंढने की रस्म करेंगे। पहले कंगना खोलेगी फिर विदाई करेगी? नहीं फिर मुझे अभी घर नहीं जाना। नहीं आपको तो विदा करनी पड़ेगी ना लड़की। अच्छा कितने दिन और रहना दादो? आज और कल और रुक जाओ। ठीक। तो मैंने कलीरे निकाल के भगवान जी के मंदिर में रख दिए थे और इनको मैं संभाल के अभी डब्बे में रखूंगी क्योंकि ये शगुन की निशानी होती है। तो यहाँ गोलू और स्नेहा खा रही है खाना। खाना खाने के बाद बहुत सारा काम है हमें, आज पूरे घर की सफाई करनी है। ये तो बता दे लड़के का गए हमारे घर के, लड़के मैंने बता दिया सुबह लड़के गए हैं नहाने नदी में, नदी के किनारे। तो हमारी शादी खत्म हो गई पर गिफ्ट खत्म नहीं हो रहे। ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेके आए हैं भाई साहब, और ये जो गुड्डू है ना ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका, जो आपने हमें दिया है। आपने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया हमें और इसने हमारी इतनी हेल्प की है शादी में, इतनी हेल्प की है, मतलब पूरे परिवार एक तरफ और ये लड़की एक तरफ। आपको पता है इसको कल बुखार इतनी तेज था, इतनी तेज बुखार था, इसने शादी अटेंड नहीं करी पर इसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। पूरी शादी में लड़की नहीं थी, पूरा टाइम हर एक फंक्शन के अंदर इसने वही सारी चीजें करी है। रहती तो उसे बुखार उतरा नहीं था। अब दोबारा जब मैं देनी आई थी उससे उतरेगा बुखार, थोड़ा सा उतरेगा। अब सही है लेगा। चल गोलू गिफ्ट खोल ले। चलो मैं गिफ्ट आपके सामने ओपन करती हूँ। ये गिफ्ट खोलने के लिए 5-6 बंदे लगे हुए हैं और सबको एक्साइटमेंट है। ये वाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारे कान्हा जी आए हैं घर में बांसुरी के साथ। बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। तो देखो गिफ्ट देखने कितने लोग आए हैं, देख सकते हो पूरा मोहल्ला है। बहुत सुंदर कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। 8th फ्लोर की सारी साफ सफाई हो गई है। अब मैं जा रही हूँ नीचे 2nd फ्लोर पे साफ सफाई करवाने के लिए। पायल पहुंच गई है, मैं बस पायल की पानी की बॉटल ली थी क्योंकि पायल को बहुत प्यास लग रही थी। मैं सब नीचे जा रही हूँ और 2nd फ्लोर की साफ सफाई करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम 13th फ्लोर पे। वैसे तो मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ बट अब शादी के चक्कर में ना 2-4 दिन से मैंने ठंडा पानी पी लिया। वो मेरा गला इतना दर्द हो रहा है, गले की पूरी बैंड बज गई है, मतलब कि मैं बोल भी रही हूँ ना तब भी मुझे गले में पेन हो रहा है। आई क्या चल रहा है गोलू? ये ना ऊपर भिगवा दे सबका ना छोले। हाँ चावल ऊपर बनवा दे। हाँ चावल छोले सही है, ठीक है ये पूरा भिगवा दे, कम नहीं पड़ेगा। नहीं पूरा भिगवा, इतना बोल दे, एक किलो का बोल दे, ये पूरा भिगवा दे सबके चावल छोले ऊपर बना दूंगी, यहाँ पे इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है लोग गिनने पर कितने लोग हैं अभी बच गए। सबका यहाँ पे लंच बन गया भैया, आप भी ले लो, ले रहे हो ना, खाओ खाओ भैया आप भी। भैया लंच बन गया कर लो है। अनुज भैया आप भी कर लो। क्या खाया? अभी फिर करोगे? चलो कोई नहीं आप चावल खा लो। तो फाइनली हमारे पूरे घर की साफ सफाई हो गई है। जो कपड़े प्रेस वाले 2 दिन पहले आए थे बट टाइम नहीं मिला कपड़े लगाने का, तो अभी मैं पहले कपड़े लगा रही हूँ। चिपकन आ गया अपनी फेवरेट जगह पर, इसको बहुत ही पसंद है धूप लेना। अब इट्टा खाना वाना खाया? ये खाना बहुत ही कम खाता है, मैंने इसको पत्ते दिए थे, इसने थोड़े से खाए। बोलू तो सारे कपड़े लगा दे मैंने, जी जितने भी जेंट्स है ना उनको से इससे खाना नहीं मिला था, मैं खाना बना के दे आई हूँ। और मैं चाय बना देती हूँ उन लोगों के लिए और चाय नीचे भिजवा देती हूँ, ठीक है ना? तुम लोगों को पीनी है चाय? नहीं मैं चाय नहीं पीती। चाय कॉफी? कॉफी पीनी। मैं कॉफी बना देती हूँ, बीट वाली कॉफी पीनी है। हाँ, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, जितने भी जेंट्स है नीचे उनको चाय ढंग से नहीं मिली है, तो इतने बड़े पतीले में सबके लिए चाय बना रही हूँ। यहाँ मैंने छोले भिगो दिए। हाँ सारे बोल रहे, देख तू ले एक बार, देख तू ले। हम तो सब लोग पानी मांग रहे हैं ठंडा, हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं पानी का। बर्फ डालते ना उसमें भर दिया हमने। ये वाला जो एरिया है ना उसकी हालत ये है अभी, हमने सारा सामान ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया, एटलीस्ट बाहर तो नहीं है, इस कमरे के अंदर है। और ये है पायलो मेरे लहंगे, ये सारे मशीन वाले कपड़े जो धोने, और मशीन पूरी भरी भरी पड़ी है, इसके ऊपर भी कपड़े हैं। चलो एक धीरे धीरे होता रहेगा काम। घर से मिटने में ना आज पूरे 2-2.5 घंटे लग गए, पूरा का पूरा जो घर है क्लीन है। पायल चीकू को सुला दिया,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट में सुला दिया। इसके पापा आएंगे, ये तो सुन रहा है। एक बार सब की शक्ल दिखा दे, कोई नहीं नहाया घर में। हाँ आज घर में कोई नहीं नहाया। मैं नहा लिया। आप नहाए हो और आप भी नहाए हो। आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। हेलो भैया। यहाँ पे बन गए सबके लिए चाय और पायल जा रही नीचे चाय देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भैया नीचे हैं और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर रहे हैं ना। पायल आज हम यही बात कर रहे थे ना। और इधर बन गए कॉफी का बीट, तो मैं शैफी भैया के लिए कॉफी बना देती हूँ चीकू के पापा के लिए। तो यहाँ गोलू जो है जिम्मी के लिए अंडा उबाल रही है और यहाँ पे जो है रोटियां बना रही है शाम के लिए, क्योंकि शांति को घर जाना है। कटोरी तो देख ले इसकी, इसमें उबाल। ये हमारा कितना पुराना है ना, दिल्ली के से लाए थे हम ये। गोलू देख कितनी सुंदर पूरा है, हाँ बहुत प्यारी फोटो है ये। हाँ बहुत अच्छी लग रही है ना भैया। अब ये पता क्या करता है, क्या उसे बोलो, जैसे फोटो करवा फोटो खींचता है ना, हाँ। तो निंदा में बोलता है एक बार, इधर हो जाओ। हाँ जी आप थोड़े इधर आ जाओ, साथ में जाओ। है भैया कभी कभी हो जाता है। अच्छा पर बहुत अच्छा काम किया। पायल भी ना कभी कभी नींद में सो रही होती ना, तो सोते से बोलती है हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैंने बहुत बार सुना है। हाँ। दिन भाभी क्या कह रहे थे नींद में, शांति चाय। रात को 2 बजे शांति चाय लेके वो चावल आप लेकर आए थे ना मिले। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, सबसे पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद बाकी टीम नहाएगी। हाँ ठीक है ना। तो आज क्या है फिर, आज कौन सा फंक्शन है? आज ये खेलना था कंगना, अब सब थके हुए हैं, देखते हैं कल खोलते हैं, रात को खोलते हैं। कल खोल लेंगे। इधर बन रही है मेरी पायल की और स्नेहा की कॉफी, क्योंकि जो स्नेहा जी है वो हमारी चाय नहीं पीती। ऐसा क्यों, आपने कभी चाय क्यों नहीं पी? मैंने आज तक चाय पी है, और जब भी पी है ना तो मतलब प्रॉपर नहीं पी, कभी ब्रेड डुबो के खाया। तो एक काम करेंगे, इस घर से जाने से पहले पायल और मैं आपको चाय पिलाएंगे जरूर। अच्छा ठीक है। तो मेरी छोटी सी बेटी शोई शोई करके उठ गई है, कुछ खाना बाबू पानी पीने? 2 घंटे तो सो गया। हाँ 2 घंटे सो गया। बालों का क्या बना रखा तुमने? यहाँ पर चल रही है एडिटिंग पायल मेरी और स्नेहा की वीडियो की, और बहुत ही सुंदर फोटो है ना स्नेहा? हाँ बहुत ही ज्यादा प्यारी है। मैंने इसमें अपने बस बाल ये बेबी हेयर सटवा रही हूँ। तो स्नेहा क्या कर रही है, जिसके बेबी हेयर है ना ये गायब करवा रही है फोटोशॉप। और यहाँ पे बन रहे सबके लिए चावल, क्योंकि जितने भी ऊपर वाले गेस्ट थे सबने खा लिए चावल, बस हम लोग रह गए नीचे वाले। और आज बने हैं छोले, रात में बनी है चावल, दोपहर को भी दाल चावल बने थे। चीकू आपके पैरों के पीछे मेहंदी लगी है, देखो मेहंदी लगी है आपके पैरों के पीछे, सबके पीछे लगी है। 3 दिन से भारी भारी इयर रिंग्स पहन के ना मेरे जो कान है ना पक गए हैं, पायल ये कान पक गए हैं तेरे, बहुत दर्द हो रहा है कान, मतलब ऐसा हो रहा है कि बस एक हफ्ते एक महीने तक कोई इयर रिंग्स ना पहने। ये जो छोटा सा बच्चा है ना मेरा, ये पूरी रात जागते है, कल रात को भी जागा है, मतलब घर में कोई भी फंक्शन हो ये पूरी रात जागते है। इनकी इसकी आंखें देखो कैसी हो रही है सोने के लिए, सो जाओ बेटा सो जाओ। और अभी चल रहा है एसी और ये आराम से आप सो रहे है। जिमू ऐशोनी बच्ची। और ये चीकू के काम है, जितने भी हमें गिफ्ट्स मिले थे ना शादी पे वो सारे के सारे हमने रखवा दिए। चीकू ने 2 पेंटिंग्स मतलब 2 शोकेस यहाँ पे रख दिए, तो इन दोनों में पायल और अरमान है। एक में वो घूम रहे हैं हनीमून पे गोवा, और एक में वो खड़े हुए हैं। तो एक और गिफ्ट आया है अभी, ये भैया ने भेजा, विकास भैया जिम वाले उन्होंने भेजा है। इसमें तीन पेंटिंग्स है, तो ये हम घर में लगाएंगे बाद में। पायल पायल सुन, मैंने सारी बॉयज की 10 टिकट बुक कर दी, सारे बॉयज जा रहे मूवी देखने के लिए। ठीक है तो हम गर्ल्स घर में गर्ल्स पार्टी करेंगे। ठीक है एक बात बोलूं पायल, वो जो नहीं होता शादी से पहले सारी लड़कियां पार्टी करती है, कपड़े दिलाती हूँ प्लीज। ठीक है ठीक है ओके। तो ये मैंने निकाला सपना दीदी के लिए, सपना दीदी सुबह मॉर्निंग में चली जाएंगी, उनके 2 मिठाई के डब्बे अलग से निकाल दिए। अभी एक सूट और निकालना है, इसमें एक सूट एक साड़ी और पजेब है। तो ये सारा सामान निकाल दिया हमने दीदी के लिए, अभी इसमें सिर्फ मिठाई के डब्बे कम है, वो भी मैंने मंगाए हैं स्विगी से, क्योंकि सुबह 4 बजे दीदी निकलने वाली है। डब्बे मंगाए थे पर वो जो हमारे फोटो वाले भैया आए थे उनको भी देने थे, तो उनको दे दिए। अब दीदी के लिए और भाभी के लिए और स्नेहा भाभी के लिए ऑनलाइन मंगवा दिए, अभी मतलब की लगा ले 20 मिनट में आ रही है। मैं ना जो मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सारा काम हो गया है सबका खाना पीना, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग थे तो सबका खाना पीना हम लोगों ने किया है, तो खाना पीना सबका करा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, गोलू नहा चुकी है, बस मैं नहाने जा रही हूँ, सारे बच्चे गए हैं मूवी देखने, तो इसके बाद हम लोग करेंगे पार्टी, गर्ल्स पार्टी। तो अभी मैं और तन्नू जा रहे हैं दीदी को सामान देने के लिए, और पायल कर रही है शावर, क्योंकि सुबह से हम इतने ज्यादा थक गए थे साफ सफाई के अंदर। मैं तो नहा रही थी आधे घंटे पहले, तो एक बाथरूम में घुसी है पायल और एक में घुसी है स्नेहा। तू नहाई? बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं नहाए ना। दीदी कैसे लगे गिफ्ट? बहुत सुंदर लगे। ये वाला सूट तो आपने पहना था ना पिंक वाला, क्योंकि इसका हमने 4-5 कलर मंगवाए थे, येलो वाला भी रखा हुआ था, तो बहुत सुंदर सूट है। और इसमें ना वाला सूट भी दे दिया पंडतानी वाला, ठीक है दीदी? मम्मी के कपड़े
और ये पितरों के कपड़े तो मैं उधर दे दूंगी तेरे को पंडित है नहीं ठीक है जी। कोई डाल लेगा ना तो अपना खरीदा उन्होंने तो हो जाएगा भाई पैर तली है मम्मी के कपड़े। हाँ ये तो है थोड़ा दिल खुश भी। और बाबा लाल दास जी के कपड़े वो मुस्कान को देगी ठीक है ठीक है। ये मैं ये भी देगी या मुस्कान को बुआ जी किसने देवांगे हम वो पहनने का तो दिल तो खुश होगा अपना। हाँ चलो दीदी मैं जा रही हूँ नीचे आप आ जाना है जिम्मी बुआ के साथ आना ठीक है बाय जिम्मी। है दीदी इसको आवाज का पता है देखना जिम्मी आय जिम्मू। हाँ पता चल गया आवाज का इसको पता है खुश रहता है ना। तो भाई मिठाई आ गई है इसमें मिठाई सपना दीदी की है पारस भैया की है गोलू की है अभी ये दो बच्चों की नहीं है क्योंकि इनको हम अभी नहीं भेज रहे हैं इनको हम यहीं रख रहे हैं अपने नए सैलून के लिए अभी ये आपको हमारे साथ ही दिखेंगे हमेशा। तो गाइस फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और मेरा जो सिंदूर है वो मैंने नहीं हटाया है क्योंकि ये मेरी सुहाग की निशानी है इसको मैं रोज लगाऊंगी और मेरे हाथ की मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है चूड़ा भी बहुत प्यारा लग रहा है और मंगलसूत्र भी बहुत प्यारा लग रहा है और मैं भी प्यारी लग रही हूँ नहा के आई हूँ। सुबह से ये टाइम हो गया 11 बजे नहाए हम दोनों और ये लोग तो गंदे अभी तक नहाए नहीं अच्छा नहा के बैठे नहा के हमारे घर की निकम्मी लड़की पूजा वो अभी तक नहाई नहीं है वो कह रही है मैं कल ही नहाऊंगी घर जाके अब क्योंकि उसको अपना बाथरूम पसंद है नहाने के लिए। तो बाय बाय गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी शादी में आपको कितना एंजॉय हुआ आपने घर बैठ के बहुत ज्यादा मस्ती की होगी मेरी शादी की आगे भी आपको ऐसी मस्ती में कराती रहूंगी। बाय बाय गाइस गुड नाइट।